हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू उत्पल मालवा एकेडमी। आज हम क्लास 11 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी चैप्टर 5 में आउटसोर्सिंग के बारे में पढ़ेंगे। मीनिंग ऑफ आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज। आउटसोर्सिंग सर्विसेज क्या होती है? मतलब जब कोई बिजनेसमैन दूसरी संस्थाओं से हेल्प लेता है, दूसरे पर्सन से जब हेल्प लेता है तो उसको आउटसोर्सिंग सर्विस कहा जाता है। ठीक है, इसका मीनिंग है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आवर प्रोडक्ट हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल पर्सन है ना और इंस्टीट्यूशंस इज कॉल्ड द आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज। मतलब जब बिजनेस जब किसी वस्तु का मैन्युफैक्चरिंग करता है, प्रोडक्शन करता है, तो उसे किसी न किसी तरीके से दूसरी सर्विसेज, दूसरे व्यक्तियों से या दूसरी संस्थाओं से क्या लेनी पड़ती है? हेल्प लेनी पड़ती है। जैसे कोई बिजनेस है तो वो बैंकिंग बैंक से भी लेन देन करता है, तो बैंक एक प्रकार से क्या है? आउटसोर्सिंग सर्विस। ठीक है, इंश्योरेंस करवाता है दूसरी कंपनियों से, क्या करवाता है? इंश्योरेंस करवाता है, तो वो क्या है? एक प्रकार से आउटसोर्सिंग सर्विस है ना। फाइनेंस लेता है, फाइनेंस लेता है किसी दूसरी कंपनी से, क्या लेता है? बैंक वगैरह से या किसी फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से क्या लेता है? लोन लेता है, तो वो क्या एक प्रकार से क्या है? आउटसोर्सिंग सर्विसेज है। जैसे कि आपने कोई भी बाइक वगैरह देखी होगी, जैसे मोटरसाइकिल है ना, बाइक है, तो हीरो होंडा की बाइक है, लेकिन उसके अंदर जो टायर जो फिट होता है वो या तो टीवीएस कंपनी का होता है या फिर किसका होता है? एमआरएफ कंपनी का होता है। तो क्या हीरो होंडा कंपनी ने कभी जो है कि टायर, उसने कभी टायर नहीं बनाया, क्योंकि वो दूसरी कंपनी से क्या लेती है? हेल्प लेती है ना। तो दूसरे व्यक्तियों से या दूसरे पर्सन से या दूसरी कंपनी से जब वो हेल्प लेकर अपनी वस्तु का प्रोडक्शन करती है तो उसको क्या कहा जाता है? आउटसोर्सिंग सर्विस कहा जाता है ना। तो आउटसोर्सिंग सर्विस आ गया समझ में। फाइनेंस इंस्टीट्यूट है या फिर बैंक है या इंश्योरेंस कंपनी होती है या कोरियर सर्विसेज होती है या एडवर्टाइजमेंट होता है। जैसे किसी वस्तु का प्रोडक्शन कर लिया, अब खुद तो एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता है, इसलिए वो एडवर्टाइजमेंट दूसरे से करवाता है। टीवी वगैरह या एडवर्टाइजमेंट कंपनी को क्या देता है? अपना एडवर्टाइज बनाने के लिए दे देता है। तो इस प्रकार से ये क्या होती है? आउटसोर्सिंग सर्विसेज होती है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को अपन समझो, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आउटसोर्सिंग सर्विस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे फर्स्ट वाला पॉइंट क्या है? चीप सर्विस, मतलब सस्ती सुविधा है, सस्ती सर्विस होती है ये। इसमें ज्यादा पैसा नहीं लगता है। By outsourcing service, we get service at minimum cost. कम से कम लागत में क्या हो सकती है? ये सर्विस प्राप्त की जा सकती है ना? If this work is done by the production institutions, itself cost increase. मतलब इससे मतलब यदि वो चीप सर्विस, ये सस्ती सर्विस है और दूसरी कंपनियों से जब हेल्प लेकर अपनी वस्तु का प्रोडक्शन करती है तो उनकी कॉस्ट भी क्या होती है, लागत भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ग्रोथ इन बिजनेस। इससे बिजनेस की क्या होती है? ग्रोथ होती है ना। बिजनेस वर्क इज इमीडिएटली डन बाय आउटसोर्सिंग सर्विस बाय विच द एरिया एंड क्वांटिटी ऑफ बिजनेस बहुत इंक्रीज। मतलब इससे क्या होता है, जब वो दूसरी कंपनियों से जब हेल्प लेती है तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकती है ना। ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेगी तो वो ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में वस्तु का प्रोडक्शन करेगी, तो उसकी उतनी ज्यादा क्या होगी? ग्रोथ होगी है ना। तो ग्रोथ इंक्रीज होती है उसकी। उसके बाद क्या है? स्पेशलाइज्ड सर्विस। मतलब इसके अंदर क्या होता है, मेन कार्य तो खुद बिजनेस करता है, लेकिन क्योंकि हर व्यक्ति हर वर्ग में स्पेशलिस्ट नहीं होता है। जैसे कि अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, हीरो होंडा की एक मोटरसाइकिल है, उसके अंदर देखना जो टायर जो डले होते हैं वो एमआरएफ कंपनी के डले होते हैं या फिर कोई दूसरी कंपनी के डले होते हैं। बैटरी उसके अंदर जो होती है वो दूसरी कंपनी की होती है, क्योंकि वो दूसरी कंपनी से क्या लेती है? सर्विस लेती है। ये जो कंपनियां होती है ये अपने काम में क्या होती है? निपुण होती है, ये स्पेशलिस्ट होती है ना। अब जैसे कि कोई डॉक्टर के पास आप इलाज करने के लिए गए, तो एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर सभी चीजों के लिए स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता है। आंख का डॉक्टर अलग होता है, कान का अलग होता है ना, पेट का डॉक्टर अलग होता है, सब जो है कि अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं डॉक्टर में भी। तो जिसको जिसका दर्द होता है वो उस डॉक्टर के पास जाता है, वो अपने कार्य में क्या है? परफेक्ट है। तो जैसे कि कोई भी कंपनी है हर काम नहीं कर सकती है, तो उसे दूसरी सर्विस जो स्पेशलिस्ट जो सर्विस दे रहा है उससे वो सर्विस लेनी पड़ती है। ठीक है, सेवा लेनी पड़ती है। तो स्पेशलिस्ट सर्विस। सेकंड वाली क्या है? हाई लेवल
लिविंग स्टैंडर्ड, मतलब इसमें जो जो रहने का, लोगों का जो रहने का जो तरीका है वो हाई लेवल का हो जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो बिजनेस होता है वो दूसरे लोगों से क्या करता है, दूसरी सर्विसेज जो दूसरी कंपनियों से जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे सर्विस लेता है, अब उनसे अच्छी क्वांटिटी अच्छी क्वालिटी की वस्तु का प्रोडक्शन करता है ना, तो उससे अच्छी क्वालिटी का वस्तु का प्रोडक्शन करेगा तो लोगों के पास अच्छी क्वालिटी की वस्तु जाएगी। तो जब कोई भी व्यक्ति ब्रांडेड चीजों का यूज करता है तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एक अच्छी अच्छी जब वो चाहे उसने जूते पहने हो, चाहे उसके पास मोबाइल हो, है ना, चाहे उसके पास वॉच हो, घड़ी हो, जो भी हो, उसके पास अच्छी ब्रांडेड चीज होगी तो उसका रहने का जो तरीका वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ये किस प्रकार से बढ़ता है, ये कैसे बढ़ता है, आउटसोर्सिंग सर्विसेज से, बिजनेस आउटसोर्सिंग सर्विस की हेल्प से अच्छी क्वालिटी का वस्तु का प्रोडक्शन करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका अटेंशन ऑन मेन वर्क। अटेंशन ऑन मेन वर्क मतलब ये जो कंपनियां होती है ये अपने मेन वर्क पर क्या देती है, ध्यान देती है, बाकी छोटे मोटे वर्क जो जो है वो दूसरी कंपनी को दे देती है। जैसे कि कोई भी मारुति बनाने वाली कंपनी है तो वो क्या करती है कि अपना मेन काम जो इंजन का है वो इंजन का काम करती है, बाकी दूसरी चीजें जैसे कि उसके अंदर लाइट भी रहते हैं, बल्ब भी रहते हैं, तो कोई जो कंपनी बल्ब थोड़ी बनाती हो, मारुति जो कंपनी है, मारुति की कार वगैरह आपने देखी होगी तो वो बल्ब थोड़ी बनाती है, वायर थोड़ी बनाती है, वो बैटरी थोड़ी बनाती है, ये दूसरी कंपनियों से हेल्प लेती है ना, और अपनी वस्तु में अब जो भी है वो अपने मेन कार्य पर अटेंशन रखती है, ध्यान रखती है, और जो छोटे मोटे कार्य वो दूसरी कंपनियों से जो है ठेका देकर कॉन्ट्रैक्ट देकर वो छोटे मोटे कार्य वो कर लेती है, यानी सारे ही काम यदि वो करेगी। मान लो कि अब ये तो जो कंपनियां हैं बैंक का भी यूज करती है ना, इंश्योरेंस का भी यूज करती है, तो क्या एक खुद की इंश्योरेंस कंपनी डाल सकती क्या, खुद की बैंक चालू कर सकती क्या, तो यदि सारे काम करेगी तो फिर मतलब ये अपने मेन वर्क पर ध्यान नहीं दे पाएगी, इसलिए मेन कार्य पर अटेंशन रखती है, बाकी छोटे मोटे कार्य दूसरी कंपनी से ये करवाते रहते हैं। तो इस प्रकार से ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आउटसोर्सिंग, ये डिटेल है आपको बुक के अंदर मिल जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, लर्न करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।